दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड से बैंक अकाउंट में बैलेंस कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इसका जो लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि मोबीक्विक वॉलेट ऐप है। और यहाँ पे इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद सिंपली ऊपर की तरफ ईएमआई का ऑप्शन दिखेगा प्रोफाइल की साइड में। ईएमआई ऑप्शन में क्लिक करके आपका जो कार्ड है ऐड कर लेना है। कार्ड को ऐड करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा, जो बजाज का कार्ड होता है। और यहाँ पे अवेलेबल लिमिट है, आप देख सकते हैं 85,000। तो आपका जो भी लिमिट है यहाँ पे दिखाई देगा। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद और यहाँ पे कार्ड को ऐड करने के बाद और एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। इसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद सिंपली जाना है ऐड ऑप्शन में। ऐड ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेगा, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। यहाँ पे ऑप्शन 2 सिलेक्ट करेंगे और जितने भी अमाउंट आप ट्रांसफर करना चाहते हैं उतना ही अमाउंट यहाँ पे डाल देना है। अमाउंट डालने के बाद क्लिक करेंगे ऐड मनी के ऊपर। ऐड मनी के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने पेमेंट मेथड आ जाएगा। यहाँ पे सिंपली वॉलेट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबीक्विक, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा और ओटीपी डाल के जैसे ही सबमिट करेंगे यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। और पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे वॉलेट में आपका जो बैलेंस है ऐड हो जाएगा ऊपर की तरफ वॉलेट में। और वॉलेट में बैलेंस ऐड होने के बाद इस वॉलेट बैलेंस को हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। उसको ट्रांसफ़र करने के लिए सिंपली जाना है पे ऑप्शन में। पे ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे यूपीआई है, बैंक अकाउंट है। अगर आपके पास यूपीआई आईडी है तो यहाँ पे यूपीआई सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास बैंक अकाउंट डिटेल्स है तो यहाँ पे बैंक अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे मैं यूपीआई पर क्लिक करता हूँ और आपका जो यूपीआई आईडी है यहाँ पे आप डाल देंगे। तो चलिए मेरा यूपीआई आईडी मैं डाल देता हूँ। यूपीआई आईडी डालने के बाद नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे अमाउंट आपको डाल देना है, जितने भी अमाउंट आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, मिनिमम आपको वॉलेट पर 12 रुपीज़ रख के ट्रांसफ़र करना है। और यहाँ पे सिंपली रिमार्क्स पर कुछ भी लिख सकते हैं और क्लिक करेंगे सबमिट के ऊपर। और सबमिट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे इंस्टेंटली आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर आपके पास यूपीआई आईडी नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन में फिर से क्लिक करके टू अकाउंट में क्लिक करके अकाउंट नंबर यहाँ पे आईएफएससी कोड नेम अमाउंट डाल के कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। और जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आपके बैंक अकाउंट पर बैलेंस ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आपको दिखा दिया किस तरीके से आप मोबीक्विक ऐप से बैंक अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस एप्लीकेशन की मदद से। सभी एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।